what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. गुड आफ्टरनून एवरीवन. अभी गुड आफ्टरनून नहीं हो रहा है, अभी गुड इवनिंग हो रहा है, क्योंकि अभी दोपहर के 3:30 बज रहे हैं. सुमित के लिए मैंने वेट किया इतना देर तक और मुझसे नहीं हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो लंच कर लेती हूँ. ये देखिए लंच का थाली लेके बैठ गई हूँ. ये देखिए, ये है करेला देकर मूंग दाल और ये है भिंडी आलू का सब्जी. तो ये बंगाली पाँच फोड़न देकर बनाते हैं, बंगाली स्टाइल में मैंने बनाया है. तो चलिए, भूख तो बहुत ज़्यादा ही लग गया है. सुमित के लिए वेट कर करके मैं थक गई, 3:30 ओवर हो गया है. सुमित तो उधर लंच कर लिया है, लेकिन मैं अभी वेट कर करके अभी लंच कर रही हूँ. सुमित को मूंग दाल नहीं पसंद करेला देकर, लेकिन फिर भी मैंने बनाया है. हर टाइम उसी का पसंद का बनाती हूँ, कभी तो मेरे पसंद कभी बना हुआ खाना चाहिए उसको. जैसे उसका पसंद का खाना मुझे पसंद नहीं, फिर भी मैं खाती हूँ, लेकिन जब वो मेरा पसंद है सुमित नहीं खाता है. और मैं लंच अकेला जब भी करती हूँ ना, रूम के अंदर आके करती हूँ. उधर बैठ के खाने में, हॉल में खाने में अच्छा नहीं लगता मुझे अकेला, क्योंकि हॉल बहुत ज़्यादा ही हॉल है ना, मतलब खुला खुला है ना, सामान नहीं है, तो अकेला और ज़्यादा महसूस होता है. तो रूम के अंदर आके खाती हूँ ना, तो उतना अकेला महसूस नहीं होता, क्योंकि कुछ ना हो सही, बेड चेयर फैन ये सब तो है ना मेरा साथ ही. ज़्यादा लेट करके जब भी खाती हूँ ना, खाना नहीं खा पाती हूँ. थाली में लेके आती हूँ खाने के लिए, लेकिन खा नहीं पाती हूँ. मायके में ना 6 टेबल का डाइनिंग टेबल है, लेकिन कभी आपने मेरे मायके वाला ब्लॉग में देखेंगे ही नहीं हम लोग टेबल चेयर में बैठ के खाना खा रहे हैं. किंतु हम लोग ना जमीन में बैठ के लंच करने में एक सुकून मिलता है, इसीलिए उसको फोल्ड करके रख दिया है. जब नया नया पापा लेके आए थे ना, जब मैं शादी नहीं हुआ था, टेबल चेयर में ही खाना है, इतना जीत था मेरा. लेकिन धीरे 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 आदत छूट गया. ऐसा लगता है ना, जमीन में बैठ के खाना खाने में जितना सुकून मिलता है टेबल चेयर में नहीं मिलता है. तुलसी गाछ पानी दे दिया है, नीचे वाले पेड़ पौधे में भी पानी देना बाकी है. तो सुमित बैठे हैं अंदर, ओनर नहीं है ना, तो गए कोलकाता गए ना बाबू, तो इसलिए हाँ ऊपर वाले दिया, नीचे नहीं दिया. अब नीचे जब मोटर बंद करने जाओगे तब मैं जाऊंगी, तो पानी दे के आ गए. तो अच्छा नहीं लगता ना, मुझे बोल के नहीं गया, लेकिन इंसानियत के नाते मुझे पेड़ पौधे बहुत, उसका मिट्टी सूखा सूखा लग रहा था, मर जाएगा. और मुझे भी गार्डनिंग करने का शौक है, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पानी दे देती हूँ. पता नहीं वो लोग आके कैसा रिएक्ट करेंगे, लेकिन जस्ट इंसानियत के नाते मैंने पौधे में पानी दे दिया, क्योंकि वो लोग मांग नहीं सकते हैं ना, इसीलिए वो चल नहीं सकते कुछ नहीं. नीचे वाले भी पेड़ पौधे बहुत सारा है, ये क्यों जल्दी जाए ना, तो ना तो ये ओनर का घर है, इधर पानी दे. एकोन टाइम, एकोन टाइम होच्छे 4:85. खूब बहुत शॉकिंग है देखकर लग रहा है. Thank you.
है ना कैमरा कुछ था बाबा बोलता है बोले चुरी बुरी कर रही थी गुड इवनिंग एवरीवन। तो पेड़ पौधे में पानी देने के बाद थोड़ा रेस्ट लिया, अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा मार्केट। ये देखिए बैग लेके थोड़ा थोड़ा सा बोलती हूँ ना, आदत पड़ गया है, कुछ भी बोलो तो थोड़ा सा बहुत सा ये सब वर्ड आ गए मुँह में लगा रहता है, इसलिए मैं बोलती हूँ। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए, कुछ सामान लेना है। सुमित आ रहा है वो देखो, और ओ लॉक लगाओ हाँ। वाईफाई लेके आने में भूल गए थे, सुमित गया फिर से रूम के अंदर वाईफाई लेने के लिए, क्योंकि वाईफाई के बिना पेमेंट नहीं होगा। ये देखो ये हम लोग राम तुलसी बोलते हैं, इसको हम लोग राम तुलसी बोलते हैं। कुछ इस तरह से है घर, सुमित आ रहा है लॉक करके। आके ही ऊपर बहुत सारा कपड़ा देकर रखा हुआ है, सब उठाना पड़ेगा। देखिए पत्रा का ऊपर है, ऊपर वाले रूम में हम रहते हैं, बीच में ओनर रहते हैं, नीचे में भाड़ा रहता है। नहीं है वाईफाई टा मैं बाजार गई थी टाइस मार्केट, और देखो ब्लड क्यों आ रहे हैं, देखो किटी आ गया। आए दो दिन से आया नहीं, मैं सोचा बिजली ने बच्चा दे दिया, इसीलिए मैं सोच रही थी क्या वो आया क्यों नहीं, पूछ रही हूँ। दारा बिस्कुट दो, वो दारा आती हूँ रुको। बाजार गई थी तो सब्जी वगैरह लेके आई, तो आते वक्त ना किटी को देखा मैंने, मैंने सोचा दो दिन हो गया किटी आया नहीं है, क्या हुआ आया क्यों नहीं, मैंने सोचा बिल्ली ने बच्चा दे दिया। तो अभी देख रही हूँ मुझे देखकर भाग के आया, तो चलो मैं दो तीन बिस्किट दे देती हूँ खाने के लिए। इधर पानी लेके आती हूँ, तो पानी भर के पूरा, तो उसको बिस्किट दे दिया वो खा लेगा, दरवाजा बंद करती हूँ। और पूरा दिन इतना हवा चला ना गाइस, जिसकी वजह से पूरा घर में डस्ट भर गया। तो अभी मैं पूरा रूम को एक बार मॉप मार लेती हूँ और चेंज करके फिर पूजा देती हूँ। शाम का दियाबाती भी नहीं हुआ, दुकान गई थी तो हुआ नहीं, तो चलो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। आज मैं लेके आई हूँ पापदा फिश, ये सुमित ने खाया नहीं, ये फर्स्ट टाइम सुमित खाएगा। और इस तरह मैंने चाय चढ़ाया, सॉरी चाय के लिए दूध चढ़ाया है, दूध गर्म कर रही हूँ, इतना दूध तो लगेगा नहीं क्योंकि मैं अकेली चाय पीने वाली हूँ। देखिए मार्केट से आते ही मैंने पूरे घर को मॉप किया,
इतना पैर के नीचे डस्ट आ रहा था, बेडशीट वगैरह पूरा एकदम डस्ट डस्ट दिख रहा था। मेरे अंधेरे में कैमरा अच्छा क्वालिटी आता नहीं है, लेकिन क्या करूं आपको दिख। सुबह से इतना हवा दे रहा था ना, जिसके वजह से पूरा डस्ट हो गया रूम में, दरवाजा वगैरह सब कुछ हो गया। मैं दरवाजा कुछ भी क्लीन नहीं किया है, सिर्फ मैंने फर्श क्लीन किया, क्योंकि बेड में उठते हैं ना तो पैर के नीचे पालू वालू ऐसा लग रहा था इसीलिए। तो फैन मैं ऑन कर लेती हूँ, मिलती हूँ चाय पीने के बाद किचन में।